Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadiq bhai khairiyat se? Ji haan, sab khairiyat se bhai. Sadiq bhai, is saal aapka Ramzan kaisa guzra? Bhai, mera Ramzan to bahut acha guzra aur bada maza aaya. Kya matlab main samjha nahi? Are bhai, isme kaun sa falsafa bhara hua hai jo aap samjhe nahi? Din bhar khane peene ke maze aur iftar ke waqt ek se ek maze ki cheeze samne rehti hai. Sochta hu pehle khajur khau ya ghee anar khau ya santra aur phir sehri mein double roti aur doodh. Kabhi kabhi to ammi simaiya bhi banati hai to maza to bala ho jata hai aur bhi din bhar puriya chalti rehti hai. Acha, to ye hai Ramzan mein maze se guzarne ka matlab aur us par gaza bhai ki pakad se bayan kar rahe ho. Are भी रोजा नहीं रखते, 70-70 साल के बूढ़े 7-7 साल के बच्चे रोजा रख रहे हैं और तुमको खाने पीने में मजा आ रहा है? क्या अल्लाह ने बस हमको खाने पीने के लिए ही पैदा किया है कि बस खाओ और मजे लो? अरे भाई, फिर हमने किस चीज के लिए पैदा किया है? सुनो और गौर से सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद है कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अरे भाई, मैं भी जानता हूँ इस जुम्मा की जुम्मा का रोजा रखता हूँ। अरे भाई, जुम्मा और ईद की बात कर तो अल्लाह के दीन का मजा बढ़ाते हैं। क्या अल्लाह ने जुम्मा अर्ज किए क्या अलविदा का रोजा ही फर्ज है? याद रखो, अल्लाह फरमाता है कि ईद में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ ताकि शैतान का इत्तिबा ना करो। आई बात आपकी समझ में? अरे भाई, आपने तो सबसे बड़ा गुनाहगार मुझे को समझ लिया, हालांकि मैं साथी हूँ रोजा नहीं रखते। अरे भाई, आप तो बुरा मान का है, रखने पर अल्लाह सख्त नाराज होते हैं। अल्लाह का गजब बरकता है कि जिससे अल्लाह नाराज हो जाए क्या वह बंदा कामयाब हो सकता है? नहीं। तो कामयाब होने के लिए रोजा रखना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, कुरान की तिलावत करना जरूरी है और दिन के तमाम काम अमल करना जरूरी है, तभी अल्लाह राजी होगा। ठीक है भाई, मैं तौबा करता हूँ आपसे, नमाज और रोजे की पूरी पाबंदी करूँगा। जब ही मेरी जिंदगी में रंग आएगा इंशाल्लाह कभी रोजा ना छोड़ूंगा। आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को और आइंदा की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह शैतान के फितने से हिफाजत फरमाए। अच्छा,